ऐसे दौर में जहां परिवर्तन के कई गुण गाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, इस तस्वीर के जरिए आपको साफ पता लग सकता है कि सरकार पिछड़े हुए इलाकों में कितने ध्यान दे रहे हैं। ये कच्चा मकान किसी का घर नहीं बल्कि शिक्षा का मंदिर स्कूल है। असम कार्बी आंगलोंग जिले के निलित चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत बोरपुंग आरलोंगवती प्राथमिक विद्यालय का है ये दृश्य। कोई भी इंसान अगर इस स्कूल के दृश्य को देखेगा तो शर्मनाक जरूर महसूस होगी कि हमारे भारत देश में जो तरक्की तो हो रही है पर ये क्या। और आप ये ना सोचें कि स्कूल चंद सालों पहले की है, नहीं बल्कि 62 यानी 62 ईयर्स पुराना स्कूल है ये बोरपुंग आरलोंगवती एलपी स्कूल, 1961 को हुआ था स्थापित। यही नहीं, इस स्कूल में काफ़ी सारी कमियां आपको देखने को मिल जाएंगी किसी दूसरे स्कूल के मुकाबले, जैसे कि बच्चों के लिए कोई डेस्क बेंच का सुविधा नहीं, टीचर के लिए चेयर टेबल नहीं, ऑफिस का कमरा नहीं, ब्लैक बोर्ड नहीं, बोर्ड का स्टैंड बैम्बू से बनाया गया है, नीचे पक्की फ्लोरिंग नहीं, किचन में चूल्हा नहीं जलता यानी MDM नहीं चलता यानी मिड डे मील का सुविधा नहीं। ऐसे कई सारे कमियां हैं पर ज़्यादातर छात्र उपस्थित होते हैं और टीचर भी। कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की। इन दिनों हर कोई बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिलवाने की सलाह मशवरा दे रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा के माध्यम से ही देश उन्नत होगा, प्रगति बढ़ेगी, क्या इस तरह मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन। हमें लगता है कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को इस विषय में गहरी आलोचना करने की सख्त ज़रूरत है। निलिप से मोसिस तरुण का रिपोर्ट, NN वार्ता, नॉर्थ ईस्ट इंडिया।